हमने यहाँ पर आर्गुमेंट पास किया है, तो फंक्शन कॉलिंग के समय जो आर्गुमेंट पास करते हैं इसको एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो यहाँ पर जाता है ये वाला, ये फॉर्मल आर्गुमेंट होता है। जो जहाँ से, जैसे मैं मैसेज भेजा हेलो लिख करके, तो ये जहाँ से जाता है वो एक्चुअल आर्गुमेंट होता है, और जहाँ रिसीव होता है वो फॉर्मल आर्गुमेंट होता है। उसकी कॉपी रिसीव होती है ना, उसकी फोटो कॉपी भेजी जाती है। जैसे मान लो मैं अपने मार्कशीट की कॉपी भेजा, तो मेरी एक्चुअल मार्कशीट मेरे पास है, उसकी फॉर्मल कॉपी जो है वो आपके पास जाएगी। तो ये आर्गुमेंट की दो कॉपी बनती है। जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो एक कॉपी यहाँ रहती है और एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ जाती है। आप पढ़े भी होंगे कॉल बाय वैल्यू में उसकी वैल्यू पास होती है। तो ओरिजिनल जो कॉपी होती है इसको एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं, और ये फॉर्मल आर्गुमेंट है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस की, कॉल बाय वैल्यू के कंडीशन में। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने फंक्शन डिक्लेरेशन देखा, फंक्शन की कॉलिंग देखी, फंक्शन डेफिनेशन देखा, पासिंग आर्गुमेंट देखा। पासिंग आर्गुमेंट में दो तरीका है आर्गुमेंट पास करने का, उसका रेफरेंस पास करना जिसको हम कॉल बाय रेफरेंस भी बोलते हैं, और एक तरीका है वैल्यू पास करना, यानी कि कॉल बाय वैल्यू। यानी फंक्शन की कॉलिंग और पासिंग आर्गुमेंट दोनों एक ही टॉपिक के अंदर आएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने पासिंग वैल्यूज वगैरह को देखा। पासिंग कांस्टेंट भी हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ, उसी चीज को देखिए बार बार लिखा है पासिंग। ओके ओके, यहाँ पर हमने देखा कि ये हेडिंग है पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन, इस हेडिंग के अंदर आ रहा है पासिंग वैल्यू मतलब कॉल बाय वैल्यू, पासिंग रेफरेंस यानी कॉल बाय रेफरेंस, मतलब ये हेडिंग दिया हुआ है, ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है देखिए, और ये कॉल बाय वैल्यू है ना। तो फंक्शन कॉलिंग जो है इसी के अंदर ये दो चीजें आती हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो आर्ग्यूमेंट पास करने का एक पूरा हेडिंग बना दिया है कि हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू, कोई रेफरेंस पास करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस। हमने स्ट्रक्चर पास किया था, याद आ रहा होगा, हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास किया था। हम कांस्टेंट भी पास कर सकते हैं। कांस्टेंट पास करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए इस टॉपिक को देखते हैं हम लोग। पासिंग कांस्टेंट को देखते हैं कि कैसे हम कांस्टेंट पास करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल पास किया है, क्योंकि ए जो है एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है। आप चाहे तो यहाँ पर एक कॉन्स्ट लिखिए और यहाँ पर एक कॉन्स्ट लिखिए, तो ए और बी जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप पास करेंगे ए और बी, तो आप ध्यान से देखिए जो ए है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पासिंग कांस्टेंट होगा, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू जाएगी और आपको यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ही रिसीव होगी, कांस्ट वैल्यू रिसीव होगी। तो इससे आपको करना क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है ए और बी की वैल्यू, वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं पासिंग कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वैल्यू को पास, ऐसे ही आप कोई स्ट्रक्चर पास करिए, पॉइंटर पास करिए, एरे पास करिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया इंट ए, और ए की साइज मैंने 5 दी और उसमें वैल्यू दे दिया मैंने, और यहाँ पर ए को पास कर दिया। यहाँ पर जो ए पास हो रहा है वो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए जो है वो एक एरे है, तो ये एरे पास हो रहा है। इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट में कई सारी चीजों को पास कर सकते हैं। क्लियर? आर्ग्यूमेंट में कई सारी चीजें पास की, उसी को पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा गया है। तो फंक्शन की डिक्लेरेशन, जिसमें आपको सिंटैक्स लिखना होगा। फंक्शन कॉलिंग दो टाइप की होती है, यानी कि ये वाला टॉपिक नीचे जो दिया है और ये वाला टॉपिक, दोनों सेम है, दो बार दे दिया गया है। फंक्शन की डेफिनेशन, यानी डिक्लेरेशन करेंगे तो डेफिनेशन भी करेंगे, तो ये पहला और तीसरा टॉपिक सेम हो जाएगा। कोई भी अगर डिक्लेयर करेगा तो डेफिनेशन भी देगा ही। क्लियर? तो ये और ये टॉपिक सेम है, वैसे ही ये और ये टॉपिक सेम है। क्लियर? और कांस्टेंट वाला भी मैंने बता दिया।
कुल मिला के लगभग हर टॉपिक हमने यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 पूरा कवर कर लिया है आपका, और यूनिट 3, 4, 5 का हमने रिवीजन भी कर